बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो जी आज मेरे किचन में बन रहा है लज़ानिया। तो जी लज़ानिया मैं बनाऊंगी अपने स्टाइल में, क्विक सी रेसिपी के साथ। फ़ौरन से हम बनाएंगे ये। बहुत रात को जो है वो लेट नाइट का व्लॉग बना रही थी, और आप लोग जो है वो उसकी लज़ानिया की शक्ल पे मत जाना, टेस्ट में वो बहुत मज़े का था। जस्ट मैं उसको बेकिंग टाइम ज़्यादा नहीं दे सकी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, और साथ साथ वीडियो भी बना रही थी और सब कुछ, तो भी बहुत ज़्यादा जो है ना थक गई थी, तो ज़्यादा उसको बेक नहीं कर सकी थी। बट ये है कि उसका टेस्ट बहुत अच्छा था और बहुत मज़े का बना था। तो यहाँ पर मैंने जो है वो चिकन का ब्रेस्ट पीस लिया, जिसको मैंने बारीक क्यूब्स में जो है वो काट लिया था, और उससे पहले मैंने 2 से 3 चम्मच ऑयल के अंदर थोड़ा सा प्याज चॉप करके डाला था, और उसमें मैं जो है वो मैंने चिकन ऐड कर दिया, और चिकन को जो है वो ट्रांसपेरेंट होने तक थोड़ा पकाऊंगी। और साथ ही मैंने अभी जिसमें ऐड किया है वो मैंने गार्लिक पाउडर ऐड किया, तो ये मेरे पास पैकेट वाला पड़ा था तो वही मैंने ऐड कर दिया। अगर आपके पास पाउडर ना हो तो आप गार्लिक के को बारीक काट के वो भी ऐड कर सकते हैं। बस यहाँ पर जब चिकन का कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसमें सारे मसाले ऐड कर देंगे। नमक डाला है, काली रेड मिर्च डाली है, हल्दी डाली है, यहाँ पर ब्लैक पेपर डाल रही हूँ, और उसको थोड़ा सा मिक्स करने के बाद यहाँ पर क्यूब्स में मैंने शिमला मिर्च काट के ऐड कर दिए। अच्छे तरीके से पका लेंगे। स्पाइसी मैंने रखा था क्योंकि जो है वो लज़ानिया में थोड़ा स्पाइसी अच्छा मज़ा देता है, और यहाँ पर मैंने सोया सॉस डाला है, सिरका ऐड किया, थोड़ा सा चिली सॉस भी ऐड किया था, और यहाँ पर मैं उसमें ऐड कर रही हूँ 4 से 5 टेबल स्पून केचप। ठीक है, तो बता रही हूँ कि स्पाइसी मैंने खुद थोड़ा सा रखा था कि लज़ानिया में थोड़ा सा स्पाइसी सा होगा तो मज़े का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बस मेरा जो है वो चिकन का जो उसकी वो स्टफिंग तैयार हो गई है। अब मैं यहाँ पर जो है वाइट सॉस बना रही हूँ, तो मैंने 2 टेबल स्पून बटर ले लिया है। बटर को अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी, मेल्ट हो गया। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी मैदा, तो यहाँ पर मैं 2 टेबल स्पून जो है वो मैदे के ऐड करी, उसको बटर के साथ हल्का सा भून लेंगे। उसके बिल्कुल जो है वो कलर उसका चेंज नहीं करना, बस उसको हल्का सा करना है कि उसका थोड़ा सा जो है ना वो कलर जायका थोड़ा सा चेंज हो जाए, कलर उसको नहीं बदलना। अच्छा, अब इसमें मैंने नमक और ब्लैक पेपर ऐड कर दिया, और साथ में ही मैं इसके अंदर जो है ना वो 2 कप जो है ना वो मैं इसमें दूध ऐड कर दूँगी। तो सॉस थोड़ी सी जो है वो मैंने रनी सी रखी थी क्योंकि वो फिर जब बेक करो तो वो उसमें ठीक हो जाते हैं। यहाँ पर मेरे पास चीज़ थी जिसको मैंने काट लिया था, और वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। मेल्ट होने तक इसको पकाऊँगी। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ओरिगैनो पाउडर ऐड किया, और उसको भी मैं थोड़ा सा पकाऊँगी तो मिक्स करूँगी। बस इतना मैंने उसको बनाना है, ये उतार दिया ताकि इसके अंदर चीज़ जो है ना वो मेल्ट हो जाए अच्छे से। ओवन को मैंने प्रीहीट होने के लिए रख दिया। मैं यहाँ पर जो है वो ट्रे उसकी जो है वो लेयरिंग कर लूँगी। तो सबसे पहले मैं नीचे लगाऊंगी वाइट सॉस, तो ये देख लूँगी चीज़ आपको नज़र आ रही है, चीज़ अच्छे से इसमें मेल्ट हो चुकी थी, और बस मैं इसमें जो है वो लेयर्स लगा दूँगी। तो लेट नाइट बना रही थी क्योंकि ये जिस तरह लेट नाइट क्रेविंग होती है ना, उस तरह से दिल कर रहा था तो उठ के लज़ानिया बनाना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर देर बहुत हो गई थी तो वीडियो पहले बनाने का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं बना लेती हूँ, तो वीडियो भी साथ बनाओ साथ साथ कुकिंग भी करो तो बंदा बहुत ज़्यादा थक जाता है। तो बस इसलिए जो है वो ऐसे जल्दी जल्दी में मैंने जो है वो बस रेडी कर लिया। तो यह है कि लेयर्स लगा रही हूँ, तो चिकन की लेयर्स पहले दी जो मैंने तैयार करके रखा था शिमला मिर्च वाला, अब साथ में ऊपर मैंने वाइट सॉस की लेयर्स दी। बस इसी तरह से मैं सारी लेयर्स लगा लूँगी इसके अंदर, और फिर इसके ऊपर जो है वो चीज़ की भी एक लेयर दूंगी। सेंटर में भी मैंने चीज़ डाली थी, और थोड़ी सी जो है वो ऊपर भी मैंने इसकी चीज़ डाली थी क्योंकि चीज़ी चीज़ी जो है ना वो ज़रा पसंद करते हैं, तो इसलिए मैंने ज़्यादा चीज़ ऐड की थी। आपकी अपनी ऑप्शन है कि आप अगर बीच में चीज़ नहीं ऐड करना चाहते तो मत ऐड करें, आप जस्ट ऊपर लास्ट में ही जो है ना वो चीज़ लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो फिर इसकी लेयर दूंगी। तो लेयर्स में ना बहुत ज़्यादा चिकन भरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके सब लेयर्स होती हैं, तो इस वजह से फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पर थोड़े से इसमें मशरूम्स भी ऐड कर रही हूँ, और बाकी तो ऑप्शनल है कि आप लेयर्स में जो कुछ मर्ज़ी ऐड करना चाहें। मेरे पास जो चीज़ें अवेलेबल थी बस सब मैंने इसमें ऐड कर दी। लास्ट में मैंने इसके ऊपर शिमला मिर्च के स्लाइसिस काट के और ओरिगैनो से इसको जो है ना स्प्रिंकल कर दिया इसके ऊपर। तो ये जो है ओवन देखिए अच्छा सा मेरा जो है वो गर्म हो चुका था, मैं इसके अंदर इसको बेक कर लूँगी। बेकिंग टाइम बस मैं ऊपर से इसको ब्राउन नहीं कर सकी, बाकी ये कि टेस्ट वाइज जो है ये बहुत अच्छा बना था और बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना था।
तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। झटपट सी मैंने रेसिपी रेडी की है, अपने ही मैंने स्टाइल में इसको बनाया है। तो आप लोगों को अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरी आज की जो रेसिपी है लज़ानिया की वो कैसी लगी है। अगर आपके पास बेकिंग ओवन ना हो तो आप इसको स्टोव में भी जो है ना वो बेक कर सकते हैं, तो उसका भी तरीका मैंने आप लोगों को एक वीडियो में शेयर किया है। तो बस यहाँ पर जो है वो मैं काट के अब इसको सर्व करूँगी, तो बहुत ही टेस्टी बना था, बहुत मज़े का। आपको पता है क्योंकि लज़ानिया में सब चीज़ें जो है ऑलरेडी बेक होती हैं, पकी हुई होती हैं, बस उनको जस्ट हमने जो है ना वो लज़ानिया को बेक करने के लिए कलर देना होता है। तो और तो ये होता है कि इसके अंदर जो कुछ भी होता है सब वो पका हुआ होता है। तो ये थी रेसिपी, तो मुझे दें अब इजाज़त, मैं चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा, खुदा हाफिज़।